आदरणीय विराजमान जितने भी यहाँ पर संगीत के प्रेमी श्रोता और उस्ताद खलीफा बहुत अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूपा माता अनुसुईया सती सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी को तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के श्री चरणों में नमन। राधे श्याम, जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूं, क्योंकि यहां पर तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में विराजमान हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ चंद लाइनें आपके बीच में रखूंगा, कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने की। कहते हैं हर कलाकार का गाने का अपना अपना तरीका अलग अलग होता है, कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए सुनिएगा। किसी ने कहा है कि राम नाम की लूट है, कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगो, तेरे प्राण जाएंगे छू। वर्ष का प्रथम दिन नई साल की शुरुआत है और मैं चाहूंगा एक बार जितने भी श्रोता बैठे हाथ ऊपर करके भगवान श्री राम का एक जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए और बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चार पंक्तियों में बताया है कि ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है, और वक्त पढ़ने पर मेरी नजर में आया ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है। और चाय लेकर के आ जाए मंच पे, चाय लेकर के। और कहा है कि तो ये प्रेम वरदान बन गया हो। और कहा मधुर मां गर कंठ में न हो, तो ये भक्त भगवान बन गया होता। आइए एक गीत जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फटकेबाजी गाना नहीं जानता, और मेरे गुरु लोगों ने तो यही सिखाया कि बेटा जब भी मंच से गाओ कुछ ऐसा गाओ जिससे हमारे समाज को, हमारी नवयुवक पीढ़ी को, जो मेरे नौजवान भाई हैं उनको कुछ मिले। क्योंकि कहते हैं जितने भी सांस्कृतिक ये कार्यक्रम कराए जाते हैं इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन पर कुछ प्रकाश डाला जाए। एक वाक्य जो कि सत्य घटना है, गौर दीजिएगा। एक माँ
जिसके दो बेटे थे। बंधुओं, उन बेटों की केवल मां है, पिता नहीं है। आज जब दोनों बेटों की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, आहा बहू को आने के बाद में दोनों बेटों ने आपस में विचार विमर्श किया और विचार करके अपनी माँ का बंटवारा कर लिया। एक बेटा ने कहा 15 दिन माँ को मैं रखूंगा, दूसरे ने कहा 15 दिन माँ को मैं रखूंगा। आहा बंधुओं, 15-15 दिन के लिए दोनों बेटों ने माँ का बंटवारा कर लिया, लेकिन महीना आ गया 31 का। 31 दिन का जब महीना आया, आहा 15-15 दिन दोनों बेटों ने माँ को रखा, लेकिन जब वो 31वां दिन आया, उस दिन माँ को किसी भी बेटे ने दोनों बेटों में से भोजन नहीं दिया, भोजन नहीं कराया। जब माँ को भोजन नहीं मिला, आज भूखी प्यासी माँ वो तड़प रही है, बिलख रही है, बस एक बात को याद कर रही है। अरे वारे इंसान, अरे मैंने जिन बेटों को पाल पनास करके बड़ा किया, इस योग्य किया, आज वही बेटे उन्होंने मेरा बंटवारा कर लिया और आज मेरे लिए एक दिन के लिए भी भोजन नहीं है इनके घर में। आज वो माँ तड़प रही है, लेकिन तड़पते तड़पते एक बात कह रही है, और मैं इस बात को YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक दूर दूर तक पहुंचा रहा हूं, और मैं युवा पीढ़ी से विशेष कर कहूंगा इस गीत पर, इन शब्दों पर ध्यान दे। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं होता, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती है। लेकिन आज उस माँ का क्या हाल है, वो बिलख रही है, क्या कह रही है सुनिएगा। के आंसू टूट गई तुमसे, अरे बेटा मैंने जो सोचा था, मैंने जो आस लगाई थी, वो आस को आज तुमने तोड़ दिया है। अरे आस टूट गई बेटा तुमसे, और कहा सेवा करें बुढ़ापे में, अरे अब क्यों मेरो हृदय दुखायो, जब पेट दुखाय दियो जापे में, अब क्यों मेरो हृदय दुखायो, जब पेट दुखाय दियो जापे में, अब क्यों मेरो हृदय दुखायो, क्यों पेट दुखाय दियो जापे में। हाथ टूट गई वाले दे करके गए, और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे रसिया जी के अखाड़े के सरताज भाई गुरु रामवीर जी अर्थोनी निवासी दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए गौर दीजिए, कहा है जा छाया में, जा छाया में बोले पुत्र बा, और ये 101 रुपए का पुरस्कार मंदिर पुजारी बंदी से
दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज वो मार कर दिया, अरे छाया में बोले पुत्र लड़ाती मैया कर कर प्यार कर कर प्यार कराती भोजन मीठे और तरकारी न दे कर कर प्यार कराती भोजन मीठे और तरकारी न दे कर कर लाड कराती भोजन मीठे और तरकारी न से और जाके बदले जाके बदले जाके बदले अरे जाके बदले पेट भरो मेरा तुमने बेटा पंचित रही सुविधा सारी न दे बेटा हेरे पंचित रही सुविधा सारी न दे और जे झेले कष्ट रड़ापे में अब क्यों मेरो हृदय दुखावे जब पेट दुखाए दियो जाते में अब क्यों मेरो हृदय दुखावे जब पेट दुखाए दियो जाते में अब क्यों मेरो हृदय दुखावे जब पेट दुखाए दियो जाते में और कहा अरे बेटा मैंने तो सोचा था मेरे बेटा बड़े हो जाएंगे और मेरे बेटों की नौकरी लगेगी घर में बहू आएगी मेरी सेवा होगी मेरा बुढ़ापा सफल हो जाएगा लेकिन लेकिन ये क्या सिला दिया है तुमने आहा आज रो रही है बिलख रही है और कहा है बड़े बड़े कष्ट उस माँ ने जो कष्ट उठाए उन बेटों को पालने में वो सारी बातें याद आ रही हैं और वो माँ बयां कर रही है किस तरीके से हेरे बड़े बड़े कष्ट उठाए मैंने अरे प्यारी सुखी जिंदगानी को मनाती मैया सुन की तोतली वाणी को मन में मोद मनाती मैया सुन की तोतली वाणी को मन में मोद मनाती बेटा सुन की तोतली वाणी को और रोटी न की तो रोटी न की तो चले कहा अब तरसू लोटा पानी अरे रोटी की तो चलेगा अब तरसू लोटा पानी को रोटी की तो चलेगा अब तरसू लोटा पानी को और कहा बेटा प्यारी शैतानी को अरे बेटा
गाड़ी से पानी को पूछे कौन सराफे में बेटा प्यारी से पानी को पूछे कौन सराफे में अब क्यों मेरा हृदय दुखायो जब पेट दुखाए सराफे में अब क्यों मेरा हृदय दुखायो जब पेट दुखाए दियो जावे अब क्यों मेरा हृदय दुखायो जब पेट दुखाए दियो जावे और कहा मैंने फर्ज निभायो अपनो मैंने फर्ज निभायो अपनो और तुम निज कर्तव्य खोमी क्यों और ये ग्यारह रुपए का पुरस्कार फिर से हमारे कन्हैया लाल जी देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहा है मैंने फर्ज निभायो अपनो तुम बिन अरे तुम निज कर्तव्य खोमी अनजाने में वस्त्र भिगो अनजाने में जान किन्ने न भिगो में क्यों वस्त्र भिगो अनजाने में जान किन्ने न भिगो वस्त्र भिगो अनजाने में जान किन्ने न भिगो मेरे आंसुल के हेरे मेरे आंसुल के पानी में तुम अपनी नाव डुबो में क्यों और देखिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उन सभी लोगों का सम्मान करें जोरदार तालियां बजा करके जोरदार तालियां और कहा मेरे आंसू के पानी में हाय मेरे आंसू के पानी में तुम अपनी नाव डुबो में क्यों कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई अब देवे मेरो में क्यों कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई अब देवे मेरो जोरदार तालियां एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी लोग सम्मान करें हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ता भी बादल भाई सभी और हमारे प्रवीण डॉक्टर साहब भी उपस्थित हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी इन लोगों का सम्मान करें जोरदार तालियां और वो माँ कहती है क्या
प्यारो मरनो है जाए बेटा, प्यारो मरनो है जाए बेटा, या दुनिया की हसीने प्यारो मरनो है जाए बेटा, या दुनिया की हसीने। 31 तारीख को रह गई दोनों बखत पासी ने, 31 तारीख को रह गई दोनों चाक पासी ने। त्यारो मरनो है जाए बेटा, अरे क्या दुनिया की हासी में, अरे हासी में। और जो लाइन आ रही है एक बार सुन चुके लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, उस माँ के लिए अगर लाइन पसंद आए तो ताली जरूर बजाएं। अरे जिन पुत्रों को जिस माँ ने जना, जिनके ऊपर लाड़ लड़ाया लेकिन वो 15-15 दिन दोनों बेटों ने माँ को रखा, 31वें दिन माँ को खाना नहीं मिला, तो वो माँ कह रही है क्या, अरे प्यारे कारण, अरे बेटा त्यारा मरनो है जाए बेटा, जा दुनिया की हासी में, अरे हासी में। अरे 31 तारीख को रह गई दोनों बखत हासी में, 31 तारीख को रह गई दोनों बखत हासी में, 31 तारीख और क्यों डोली मथुरा काशी में, डोली मथुरा काशी में शरण रहे ना आपे में, अब क्यों मेरो हृदय दुखायो, जब पेट दुखाय दियो चापे में, हृदय दुखायो जब पेट दुखाए दियो जापे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमर सिंह भाई ने सभी का दिल जीत लिया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। अब ये तो